सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिक आए दिन नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मशीनों के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक पर है डॉल लोगो 12 के सिस्टम। लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना बेहद ही मुश्किल वाला काम होता है। इन लकड़ियों को ट्रक में लोड करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस ट्रक को डिजाइन किया गया है। ये ट्रक बहुत जल्दी, सटीक तरीके से और बिना किसी गलती के आराम से लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम और पावरफुल आर्म की मदद से लकड़ियों को ट्रक में लोड कर देता है। इसके ड्राइवर केबिन को भी 80 इंच तक ऊपर उठा सकते हैं और 300 डिग्री तक पीछे मोड़ भी सकते हैं। दूसरे नंबर पर है लैंड रोलर LRX-51। ये एक पावरफुल हाइड्रोलिक बेलन है जो किसी भी नॉर्मल बेलन से बहुत बड़ा है। इस बेलन को खेतों की मिट्टी को बराबर करने के लिए बनाया गया है। ये पावरफुल बेलन मिनटों में ही कई हेक्टेयर खेत की मिट्टी को बराबर कर सकता है। ये बहुत ही कमाल की मशीन है। दोस्तों, इस शानदार मशीन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। तीसरे नंबर पर है डेक बे मोस्ट। ये एक एक्वाजेट कंपनी का टूल है जिसकी मदद से आप अपने खपरेल या छत को साफ कर सकते हैं। एक रस्सी की मदद से कंट्रोल करके आप अपने छत के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। कई बार खपरेल या फिर इस तरह के डिजाइनर छत पर चढ़ना काफी रिस्की होता है, लेकिन इस मशीन में लगे जेट स्प्रे की मदद से आप अपने छतों की सफाई आराम से कर सकते हैं। ये मशीन पुराने से पुराने दाग को 5 सेकंड में ही साफ कर देता है और ब्रश खराब होने पर आप इसके ब्रश को भी बदल सकते हैं। चौथे नंबर पर है किस्टन ट्रांसपोर्टर K220। किसानों के लिए बनाई गई ये मशीन बेहद ही शानदार है। सब्जियों को तोड़कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बेहद ही मुश्किल वाला काम होता था, लेकिन इस मशीन की मदद से सब्जियों के बास्केट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। इस मशीन के सामने बने मुंह इन सब्जियों के बास्केट को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद इसके अंदर लगे हाइड्रोलिक्स इसे 3 फ्लोर में जमा देते हैं। इसमें मैक्सिमम 7.5 टन सब्जियों को एक बार में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पांचवें नंबर पर है लिमो जेट। वैसे तो सड़कों पर कई तरह के कार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टैन हेयरसन और फ्रैंक ने मिलकर एक ऐसे कार को डिजाइन किया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कार को एक जेट प्लेन की तरह डिजाइन किया गया है। एक पुराने प्लेन की सारी चीजें निकाल कर इस कार में लगाई गई है। यहाँ तक उसकी इंजन को भी इस कार में लगाया गया है। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और हाई स्पीड वाले कार को तैयार किया गया है। इसमें 7 लोग बैठकर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में कौन सी कार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छठवें नंबर पर है मोबाइल स्कीमर। दशकों पहले लोगों की सुविधा के लिए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये पर्यावरण के लिए ही नासूर बन गया है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होता जा रहा है। इन प्लास्टिक की वजह से हर साल कई समुद्री जीवों की जान चले जाती है, लेकिन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए और समुद्र के कचरे को साफ करने के लिए इस मोबाइल स्कीमर नाम के मशीन को बनाया गया है। ये मशीन समुद्र के कचरे को उठाकर उसे फिर से रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है। दोस्तों, इस तरह की मशीन हमारे भारत में भी लाने चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।